हेलो दोस्तों, कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज दोस्तों बनवाने जा रहे हैं सरसों का साग। आप देख सकते हो दोस्तों, इस समय इसका सीजन नहीं है, लेकिन बड़ी मशक्क़त के बाद मिलता है। दोस्तों, ये सरसों धुल चुकी है, अब इसको काटने वाले हैं। तो काटने के बाद आपको दिखाते हैं सरसों का साग, साथ में ही चावल के आटे की रोटियाँ कैसी दिखेंगी। दोस्तों, आप देख सकते हैं सरसों का साग छोटे छोटे टुकड़ों में कट लगभग चुका है। दोस्तों, हमारे परिवार से जुड़ने के लिए तुरंत सब्सक्राइब वाला बटन दबाएं और हमारे परिवार से तुरंत ही जुड़ जाएं। इस शानदार वीडियो को लाइक तो बनता है, अगर अपनी मातृभूमि से प्यार करते हो तो तुरंत सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे। आप देख सकते हो दोस्तों कि सरसों का साग लगभग कट चुका है। अब हम दिखाते हैं आपको कि कैसे पकता है। पकने के बाद में कढ़ाई में पकाया जाएगा। और दोस्तों, ये रहा हमारा जो सरसों का साग छोटे छोटे टुकड़ों में कट चुका है। इसके लिए ज़रूरत पड़ती है लहसुन की। लहसुन भी छिल चुका है ऑलरेडी। ये दोस्तों देख सकते हो, ये कट चुका है। अब इसकी बारी है पकने की। थोड़ी देर पकने के बाद में फिर आपको दिखाएंगे। दोस्तों, देख सकते हो कि ये साग जो है ये पक चुका है, अब एकदम रेडी है। दोस्तों, इसमें नमक का प्रयोग साथ में किया गया है, हरी मिर्च और लाल मिर्च का प्रयोग किया गया है हल्की इसकी मात्रा में। दोस्तों, इस तरीके से अगर खाओगे तो मज़ा आ जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी अपनी धरती माँ से प्रेम करते हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो। दोस्तों, आपको हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम।